जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, भगवान प्रेम के भूखे हैं। उपनिषदों में आता है कि एकाकी न रमते। इसका सीधी सादी भाषा में अर्थ होता है, भगवान का अकेले में मन नहीं लगा, इसलिए उन्होंने सृष्टि की रचना की। मैं एक ही बहुत रूपों से हो जाऊँ, ऐसे संकल्प से भगवान ने मनुष्यों का निर्माण किया। इसका तात्पर्य यह दिखता है कि मनुष्यों का निर्माण भगवान ने केवल अपने लिए किया है। संसार की रचना चाहे मनुष्य के लिए की हो, पर मनुष्य की रचना तो केवल अपने लिए की है। इसका क्या पता, भगवान ने मनुष्य को ऐसी योग्यता दी है जिससे वह तत्व ज्ञान को प्राप्त करके मुक्त हो सकता है, भक्त हो सकता है, संसार की सेवा भी कर सकता है और भगवान की सेवा भी कर सकता है। यह संसार की आवश्यकता की पूर्ति भी कर सके और भगवान की भूख भी मिटा सके, भगवान को भी निहाल कर सके, ऐसी सामर्थ्य भगवान ने मनुष्य को दी है। और किसी को भी ऐसी योग्यता नहीं दी, देवताओं को भी नहीं दी। भगवान की भूख किस बात की है? भगवान को भूख किस बात की है? भगवान को प्रेम की भूख है। प्रेम भगवान को प्रिय लगता है। प्रेम एक ऐसी विलक्षण चीज है राधिका, जिसकी आवश्यकता सबको रहती है। एक आसक्ति होती है, एक प्रेम होता है। किसी से हम अपने लिए स्नेह करते हैं, वह आसक्ति होती है। किसी से हम अपने लिए प्रेम करते हैं तो वह आसक्ति होती है, राग होता है। राग से ही कामना, इच्छा, वासना होती है, जो पतन करने वाली है, नरकों में ले जाने वाली है। जिसमें दूसरे को सुख देने का भाव होता है वह प्रेम है। जिसमें दूसरों को सुख देने का भाव होता है उसे प्रेम कहते हैं। आसक्ति में लेना होता है और प्रेम में दूसरों को देना होता है। दूसरों को सुख देने की ताकत केवल मनुष्य में है। भगवान ने मनुष्य को इतनी ताकत दी है कि वह दुनिया मात्र का हित कर सकता है और अपना कल्याण कर सकता है। इतना ही नहीं, मनुष्य भगवान की आवश्यकता की पूर्ति भी कर सकता है। भगवान के माँ बाप भी बन सकता है, भगवान का गुरु भी बन सकता है मनुष्य, भगवान का मित्र भी बन सकता है, सखा भी बन सकता है, भगवान का इष्ट भी बन सकता है। अर्जुन को भगवान कहते हैं, इष्टोस्मि इष्टोसि मे दृढ़ मति। जैसे लड़का अलग हो जाए तो माँ बाप चाहते हैं कि वह हमारे पास आ जाए, ऐसे ही यह जीव भगवान से अलग हो गया है, इसलिए भगवान को भूख है कि यह मेरी तरफ आ जाए। इस भूख की पूर्ति मनुष्य ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। मनुष्य ही भगवान से प्रेम कर सकता है। देवता तो भोगों में लगे हैं, नारकीय जीव बेचारे दुख पा रहे हैं। 84 लाख योनियों वाले जीवों को पता ही नहीं कि क्या करें क्या नहीं करें। इतना ऊंचा अधिकार प्राप्त करके भी मनुष्य दुख पाता है तो बड़े भारी आश्चर्य की बात है। होश ही नहीं है कि मेरे में कितनी योग्यता है और भगवान ने मेरे को कितना अधिकार दिया है। मैं कितना ऊंचा बन सकता हूं, यहां तक कि भगवान का भी मुकुटमणि बन सकता हूं। आप कृपा करके ध्यान दो कि कितनी विलक्षण बात है, जितने भक्त हुए हैं मनुष्यों में ही हुए हैं और इतने ऊँचे दर्जे के हुए हैं कि भगवान भी उनका आदर करते हैं। लोग संसार के आदर को ही बड़ा समझते हैं, पर भक्तों का आदर भगवान करते हैं। कितनी विलक्षण बात है राधिका। सारथी बन जाएं भगवान, नौकर बन जाएं भगवान, झूठन उठाएं भगवान, घर का काम धंधा करें भगवान। जिस तरह से माता अपने बच्चे का पालन करके प्रसन्न होती है, इसी तरह से भगवान भी अपने भक्त का काम करके प्रसन्न होते हैं राधिका। भगवान का भक्तों के प्रति एक वात्सल्य भाव होता है, भाव रहता है। जैसे चारे में गोमूत्र या गोबर की गंध भी आ जाए तो गायें वह चारा नहीं चरती, परंतु अपने नवजात बछड़े को जीभ से चाटकर साफ कर देती है। वास्तव में वह बछड़े को साफ करने के लिए ही नहीं चाटती, इसमें उसे खुद का भी एक आनंद आता है। उसके आनंद की पहचान यह है कि अगर आप बछड़े को धोकर साफ कर दोगे तो गाय का दूध कम होगा, और अगर गाय बछड़े को चाट कर साफ करे तो उसका दूध ज़्यादा होगा। गाय की जीभ इतनी कड़ी होती है कि चाटते चाटते बछड़े की चमड़ी से खून आ जाता है।
फिर भी गायें छोड़ती नहीं, क्योंकि उसको एक आनंद आता है। वात्सल्य प्रेम में गायें सब कुछ भूल जाती हैं। वत्स नाम बछड़े का है और बछड़े से होने वाला प्रेम वात्सल्य प्रेम कहलाता है। भगवान को भक्त का काम करने में आनंद आता है, प्रसन्नता होती है। मनुष्य भगवान की इच्छा की पूर्ति कर सकता है, इतनी इसमें योग्यता है। परंतु दर दर भटकता फिरता है तुच्छ टुकड़ों के लिए, पैसों के लिए, भोगों के लिए। राम राम राम, किधर चला गया तू? भगवान को आनंद देने वाला होकर अपने सुख के लिए भटकता है और लालायित होता है। भगवान भक्त का काम करने के लिए अपयश सह लेते हैं, तिरस्कार सह लेते हैं, अपमान सह लेते हैं। भगवान ने भक्त को ऊंचा दर्जा दिया है। भगवान कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो, मैं तो हूँ भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। जिनकी स्फूर्णा मात्र से अनंत ब्रह्मांडों की रचना हो जाती है, ऐसे परमात्मा भक्त के वश में हो जाते हैं और उसके इशारे पर नाचने के लिए तैयार हो जाते हैं। ताही अहीर की छोहरियाँ छछिया भर छाछ पे नाच नचावें। 900,000 गायें नंद जी के यहाँ दुही जाती थीं, पर गोपियों पर भगवान का इतना प्रेम था कि वे कहतीं, लाला तुम नाचो तो तुम्हें छाछ देंगी, तो वे छाछ के लिए नाचने लग जाते। हृदय का प्रेम भगवान को बहुत मीठा लगता है। भगवान से कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, केवल भगवान प्यारे लगें, मीठे लगें, यह भक्तों का भाव होता है। यह जो प्रेम है वह दोनों को भाता है, अर्थात भक्त भगवान से आनंदित होते हैं, अर्थात भक्त भगवान से आनंदित होते हैं और भगवान भक्त से। भगवान और भक्त आपस में एक दूसरे को देखकर आनंदित होते रहते हैं। इतनी योग्यता रहते हुए भी मनुष्य दरिद्री हो रहा है, अभावग्रस्त हो रहा है, यह बड़े भारी आश्चर्य की बात है। होश में नहीं आता कि मैं किस दर्जे का हूँ और क्या कर रहा हूँ। झूठ कपट बेईमानी आदि करके महान नरकों में जाने की तैयारी कर रहा है, जिसमें यह भगवान की प्राप्ति कर सकता है, उस अमूल्य समय को बर्बाद कर रहा है। हद हो गई, अब चेत करो, जो समय गया सो तो गया, अब भी लग जाओ भगवान में। संसार के काम को अपना काम न समझकर भगवान का समझ लो, इतने से ही भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। जय श्री राधे।